Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel. And for, you know, more updates, you can subscribe to our YouTube channel. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is a caste, a barrier to economic transformation. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. India देखो एक ऐसे फेज से गुजर रहा है या फिर हम कहें जॉबलेस ग्रोथ से गुजर रहा है फॉर एटलीस्ट टू डिकेज नाउ, जो कि जिसके साथ जो है बढ़ती हुई पावर्टी और डिसकंटेंट जो आ रहा है रूरल एरियाज़ में. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो है इंडिया में दैट इज़ फेसिंग टूडे कि कैसे एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ को जो है जनरेट करना है जो प्रोड्यूस करे जॉब्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस तरीके से कि मोस्ट ऑफ द ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने की है. जो मोस्ट सूटेबल आंसर है इस क्वेश्चन का दैट वुड बी यू नो सारी कास्ट को इंक्लूड करना इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री में, बिकॉज कास्ट माइट नॉट बी द रेजिडुअल वेरिएबल बट एक एक्टिव एजेंट है जो स्टिफल कर रहा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को. कैसे कास्ट सिस्टम जो है इम्पीड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. सो सबसे पहला है जनरल बाइसनेस. कास्ट देखो थ्रू इट्स रिजिड सोशल कंट्रोल और नेटवर्क ये फैसिलिटेट करता है कि जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है कुछ लाइक और कुछ बैरियर्स क्रिएट करती है बाय अदर्स, क्योंकि उनको जो है डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ती है. ये जो है ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड को भी शेप करती है और कैपिटल एंड साइमल्टेनियसली रेगुलेट करती है एक्सेस टू पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कैपिटल टू. सेकेंड रीज़न इज़ लैंड ओनरशिप एंड प्रोडक्टिविटी. अगर लैंड ओनरशिप एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी फेस करती है इन द वर्ल्ड टुडे. ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड की ये परपेचुएट की गई थी ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरवेंशन के द्वारा, जो कि लीगलाइज एक ट्रेडिशनल डिस्पेरिटी है. कुछ कास्ट को असाइन किया गया था लैंड ओनरशिप एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स बाय ब्रिटिश फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बना लिया था प्रॉपर कल्टीवेटर्स हु बिलोंग टू सर्टेन कास्ट एंड दोज लेबरर्स जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और बेसिकली जो अपर कास्ट थे उनको जो है लैंड गिफ्ट यू नो गिफ्टेड लैंड्स मिलती थी. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश इंस्क्राइब्ड कास्ट इन लैंड गवर्नेंस कैटेगरीज, और जो प्रोसीजर्स थे वो आज के टाइम पे भी यू नो अंडरपिन करते हैं जो लैंड ओनरशिप पैटर्न जो है इंडिया का उसको शेप करते हैं. जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद उसमें दलित्स एंड लोअर कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसकी वजह से यू नो एम्पावर्ड जो थे या फिर हम कहें मेनली कुछ कास्ट जो है एम्पावर्ड होके आई हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने फार्म सेक्टर में जो है कहा गया था कि कुछ चेंजेस लाने थे, लेकिन उसने लैंड इनइक्वालिटी को ऑल्टर नहीं किया. ये जो है वन ऑफ द मोस्टली अचीव्ड, मतलब किसके टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के हेल्प से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को पाया था, और जो कास्ट एसोसिएटेड थे लैंड पैटर्न के टूवर्ड्स और जो बेनिफिट हुए ग्रीन रेवोल्यूशन से उन्होंने अपना सोशल कंट्रोल को और टाइटन अप कर लिया रूरल इंडिया में. नेगलेक्ट ऑफ एजुकेशन. जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम एन एलीड बाय सिंस कॉलोनियल टाइम्स. जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे उन्होंने एजुकेट किया टाइनी ग्रुप्स ऑफ एलीड्स को, लार्जली जो अपर कास्ट थे, फॉर देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज. ऑल दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट ये हार्डली ट्रांसलेट करना मुश्किल हो गया था प्रैक्टिस में. मीन्स ऑल दो इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल इसको रियालिटी बनाना मुश्किल था. इंस्टेंट अटेंशन वर गिवन टू हायर एजुकेशन फॉर द एलीट्स ओनली. जो इनइक्वालिटी है इन एक्सेस टू एजुकेशन वो ट्रांसलेट हो गई इन टू इनइक्वालिटी इन अदर इकोनॉमिक डोमेन्स, जिसमें वेज डिफरेंशियल भी आई. बेरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप. कास्ट जो ऑलरेडी कंट्रोल में थी ट्रेडिंग की और इंडस्ट्रियल स्पेसेस में, उन्होंने खुद को उनके एंट्रीज़ को रेजिस्ट किया दूसरों की अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आने से. इवन दोज हु हैड इकोनॉमिक सरप्लस इन फार्म सेक्टर्स वो भी नॉन फार्म मॉडर्न सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. जो सोशल इनइक्वालिटी है उन्होंने माउंटेड किए बेरियर्स इकोनॉमिक ट्रांजिशन के लिए, जिसकी वजह से एग्रीरियल कैपिटल जो है वो मॉडर्न सेक्टर में मूव ही नहीं कर पाए. ये जो रिलेटिव सक्सेस है साउथ इंडिया में इज़ बींग एट्रीब्यूटेड टू वेशिया वैक्यूम, जो कि एबसेंस ऑफ ट्रेडिशनल मर्चेंट कास्ट है. जिसका मतलब क्यों इंडिया लैक करता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में. देखो तीन पैरामीटर्स की बात करते हैं. ये जो डाइवर्जेंट आउटकम है ना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का बिटवीन द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, पर्टिकुलरली इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज उन्होंने लैंड इक्विटी पे फोकस किया, एक्सेस टू एजुकेशन पे फोकस किया, एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया.
सो पहला है फोकस ऑन एजुकेशन. जो चाइनीज़ और दूसरी अदर ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने बेसिक एजुकेशन में यू नो इन्वेस्ट किया और ग्रेजुअली शिफ्ट किए हायर एजुकेशन की तरफ. फिर सेकेंड है फोकस ऑन लो एंड जॉब. साउथ ईस्ट एशिया और चाइना ने कैप्चर किया लो एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को और इंडिया लार्जली कंसनट्रेट करता है हाई एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स पर. फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल. चाइना में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से ही ग्रो होके आई थी ड्यू टू इट्स इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ये रिजल्ट था डाइवर्सिफिकेशन इनटू अर्बन एंटरप्राइज बाय द एग्रेरियन कैपिटलिस्ट. चाइना टेक ओवर कर गई है इंडिया को इन मैन्युफैक्चरिंग इज ड्यू टू दिस नेग्लेक्ट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. उनकी सक्सेस जो है मैन्युफैक्चर में दैट इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरवेंशन की बात करते हैं. जो बिगेस्ट चैलेंज है इंडिया का एज अ नेशन जो उन्होंने फेस किया है दैट वाज इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश जिसकी वजह से हमारी कास्ट बेस्ड एंड रेशियल डिफरेंसेस एम्पलीफाई हुए. ये इंटरवेंशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर है क्यों इंडिया जो है खोप अप नहीं कर पाया पेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जब उसको अपने नेबर्स के साथ यू नो कंपेयर किया जाता है. What are the initiative taken to eliminate discrimination and promote transformation? Constitutional provision की बात करते हैं. Prohibition of discrimination जो article 15 में आता है constitution के जो कि हमें ये बोलता है कि state को discriminate नहीं करना है against any citizen on the grounds religion, race, caste, sex, place or birth or any of them. Equality of opportunity that comes under article 16 of the constitution of India जो ये state करता है कि equality of opportunity होनी चाहिए सारे citizen की in the matters of employment under the state. कोई भी citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, decent place of birth or any of them उसको ineligible नहीं किया जाएगा for any office under the state. कंपल्सरी एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है जिसमें स्टेट जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सारे चिल्ड्रन को जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स तक है इन सच अ मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन. नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स. लैंड सीनिंग की बात करें जो लॉज जो लिमिट करते हैं कि कितने एक इंडिविजुअल के पास लैंड होनी चाहिए जिसको लैंड सीलिंग कहते हैं और अलाउ किया जाएगा गवर्नमेंट को री अप्रोप्रिएट करने पे जिसके पास सरप्लस लैंड है. ह्यूमन डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये एम करती है मोबिलाइजेशन करने में या फिर मोबिलाइज करने में यूथ को टू टेक अप स्किल ट्रेनिंग विद एन एम ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और अलाई करना है उस ट्रेनिंग के साथ एंड सर्टिफिकेट के साथ टू द नीड्स ऑफ कंट्री. संकल्प स्कीम जिसका फुल फॉर्म है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड जो आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जिसका स्पेशल फोकस है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट. स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को एट द ग्रॉस रूट लेवल जो फोकस करेगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे एंड जॉब क्रिएशन में. ये जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर को लेवरेज करेगा टू रीच आउट टू underserved sector of the people such as scheduled caste, scheduled tribe and women entrepreneurs. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये प्रोवाइड करती है फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. लोन जो है वो दिए गए हैं डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सच एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बोरोवर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर्स और ये जो फोकस है वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स पे किया गया है. What should be the way forward to this? Learning from neighbors. ये जो success witness किया गया है China में और Southeast Asian countries में India को भी focus करना चाहिए human development पे, low end jobs पे, rural development पे to support economic transformation. Rationalization of reservation policy. ये made sure करना चाहिए कि हर एक community caste जो है वो एक reservation category के under आए और उनको equal representation मिले employment educational opportunities में. Saturation होना चाहिए particular community और कास्ट का इन रिजर्वेशन जो कि वॉयलेट करता है विद द एम ऑफ रिजर्वेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. ऑडिट ऑफ इनिशिएटिव की बात करते हैं एक ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव को कैरी आउट करना चाहिए स्टेट लेवल पे ये इंश्योर करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो एफिशिएंटली प्रोवाइड कर रहा है रिजल्ट जो कि लॉन्च किया गया भी है. गोइंग रूरल ग्राउंड लेवल सर्वे ऑफ सोशो इकोनॉमिक नीड्स यू नो बैकवर्ड क्लासेज एट द रूरल लेवल जो कि रियल पिक्चर दिखाएंगे सिचुएशन की और ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा टू प्रिपेयर एन एफिशिएंट ब्लूप्रिंट फॉर देयर वेलफेयर जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी पे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. सो गाइस दैट वाज ऑल. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस. गाइस योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज. थैंक्स अ लॉट.